आपके लिए ये सब कुछ और पाकिस्तान के लिए सब कुछ हो रहा है, ये जो भी खिदमत हो रही है। और ये सैलानी के कहने पे इतना ट्रैवल करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वरना अगर कोई और मुझे कहता तो शायद मैं इतना ट्रैवल नहीं करता। ये सिर्फ सैलानी की वजह से ये मैंने किया है, उनके कहने पे किया। अच्छा, अब ये जो हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स जो हम करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आज की क्लास का जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा कि आपको ज़रा मैं कंफर्टेबल कर दूँ ना अपने साथ, और मैं भी ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊँ, मुझे पता लग जाए कि किस तरह की हमारे पास ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है। और आप लोगों का ज़रा इंट्रो ले लिया जाएगा आज थोड़ा ना, रैंडमली कुछ सबका तो नहीं ले पाऊँगा मैं, लेकिन रैंडमली कुछ लोगों का इंटरव्यू इंट्रोडक्शन लेके ना। एसी पीछे वाले अगर ऑन हो सकते हैं ना तो वो कर दें। अच्छा नहीं, कोई वो कितनी देर में आती है लाइट? 10 बजे में 10 बजे आ जाती है। हाँ ठीक है, आधा घंटा। बस ठीक है, माइक के बगैर भी हो रहा है। हाँ, प्रोजेक्टर लगाना है, मैं आपको वो दे देता हूँ निकाल के। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। आपको केबल और पावर बैंक और ये प्रोजेक्ट तीनों चीज़ें दे दी, अब आप इसको देख लीजिए। अच्छा, प्रोजेक्टर की मोस्ट प्रॉब्ली शायद हमें आज ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आज तो हमारा इंट्रो वाला सेशन चलेगा पहले ना। अच्छा, ये सेशन दूसरे जो क्लासेस हैं जो शाम वाली थी उसमें मैंने कल कर लिया था ये, अब आज उनकी कोडिंग की क्लास होगी। लेकिन आपकी ज़रा सा ये ना पहले, क्योंकि मेरी शक्ल आपने देखी है पहली दफ़ा भी आज, अब आपको तो नहीं पता कि मेरा मिजाज कैसा है, और मैं सवाल करने पे कहीं डांट तो नहीं देता है ना, होता है ना ये बंदे के yes, कि अगर मैं सवाल करूँगा तो पता नहीं ये जो अंकल बैठे हैं ये एटीट्यूड वाले तो नहीं है सर, है ना। बहुत सारे सर आजकल एटीट्यूड वाले होते हैं, तो वो उनसे अगर कोई सवाल आप करो ना तो उनको अगर सवाल ना पसंद आए तो वो डांट देते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और बावजूद इसके कि अगर आपने मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछा जो बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है, जो तो मैं फिर उसका भी आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और ये आ गया चाहिए? सही है, थैंक यू। तो अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता होगा, जो आपने मुझसे सवाल पूछा और मुझे उसका जवाब नहीं पता, तो मैं आपसे क्लियरली कह दूंगा कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, और मैं अगली क्लास में आपको इसका जवाब तलाश करके फिर जवाब दूंगा। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे। अच्छा, आप लोगों को भी अभी इंशाल्लाह यहाँ जाने से पहले ना इस क्लास का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेंगे, तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो जाएंगे, और इंशाल्लाह क्लास में जो भी आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो घर जाने के बाद आप ज़ाहिर है उसको अपने हाथ से जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो आप सवालात जो है ना उस ग्रुप में पूछेंगे, है ना। तो उस ग्रुप में भी या इस क्लास के अंदर जो लोग बैठे हैं, तो आपको ये इजाज़त नहीं होगी कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो आप भी किसी का नहीं उड़ाएंगे। और अगर किसी बंदे ने बहुत बेसिक सवाल पूछा है, आप सोच रहे हैं यार ये तो इतना बेसिक पूछा, ये तो हर किसी को ये जवाब पता होता है इसने ये पूछ लिया, तो आपको अगर उसका जवाब पता है तो आप जवाब देंगे, अदरवाइज़ आप खामोश रहेंगे, सही है ना, ताकि दूसरे की हौसला शिकनी ना हो, ठीक है, हौसला अफजाई हो। जब अगर कोई सवाल पूछता है आप उसका जवाब दें, उसकी हौसला अफजाई हो, ठीक है। और ग्रुप में ये सारा करें, ऐसा ना हो कि वो आप पर्सनल में आप बात कर रहे हैं। ग्रुप में करने से ये होता है कि जी आप किसी का सवाल को किसी का जवाब दे रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को भी उसका उससे हेल्प मिल सकती है ना, क्योंकि ग्रुप में सबके सामने जब बात होती है तो हो सकता है किसी और के भी जहन में वो सवाल हो तो उसको वहाँ जवाब मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ग्रुप में ये सारी की सारी डिस्कशन हम कर रहे होंगे। अच्छा, और किसी को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि आपस में कोई बदतमीज़ी करें आप एक दूसरे से, इस तरह की कोई चीज़ आपको इजाज़त नहीं होगी, ठीक है।
अगर आप ऐसा देखा गया कि किसी ने बदमजगी की है क्लास में, किसी ने एक दूसरे को बुली किया आपस में, या ग्रुप के अंदर जो है ना किसी ने एक दूसरे को कुछ ऐसी बात की है। अच्छा, पहली बात तो ये, अगर किसी की बात आपको बुरी लग भी गई है तो आप उसको माफ़ कर दें, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप। तो क्योंकि एक साइड से किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस कोशिश करें कि ऐसी कोई बात हो ही ना, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई ऐसा करता हुआ देखा गया तो उसको क्लास से एलिमिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। आप अगर छुट्टियां करेंगे तो भी आपको एलिमिनेट किया जा सकता है ना। लगातार आपने 3 4 छुट्टी, आपने बोला नहीं मेरे तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो भाई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है या जो भी है, ये क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ अगर आप लेके आएंगे ना कि जी मैं तो 1 हफ़्ते नहीं आऊँगा या तो मैं 2 हफ़्ते नहीं आऊँगा, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना। तो इसकी वजह से भी आपको एलिमिनेट किया जा सकता है इस क्लास से। उसके अलावा आपको ये क्लास हमारी ना टोटली प्रैक्टिकल पे चलेगी, ठीक है। थ्योरी इसमें बहुत कम होगी, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा होगा। तो जो प्रैक्टिकल टास्क आपको दिया जाएगा, तो अगर वो प्रैक्टिकल टास्क आपने टाइम पे नहीं जमा करवाया, आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे क्लास के बाद वो आपने अगर नहीं बनाए है ना, तो भी आपका इस क्लास में सरवाइव करना मुश्किल है। क्योंकि जो कोडिंग है ना, जो कोडिंग करने जा रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग जिसको हम कह रहे हैं, या यानी इन जनरल तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर बनाना आप सबको सिखाया जाएगा। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट वाला सॉफ्टवेयर है, तो वेबसाइट आपको बनाना सिखाया जाएगा। और ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर बनता है, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो वो कोडिंग से बनता है। कुछ ना कुछ कोड हमें लिखना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट कंप्यूटर को वो बात समझाने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़ुबान में उसको लिखना पड़ता है, और वो है कोडिंग, ठीक है। हम जो इस्तेमाल करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट ES6 जो नया वर्जन है उसका, सबसे वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो है तो मुश्किल, सही है, लेकिन मुश्किल काम के ही पैसे होते हैं भाई, आसान काम के कोई पैसे नहीं होते, मुश्किल काम होता है जो उसी के पैसे होते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि जी हमारी क्लास की जो रूल रेगुलेशंस हैं। अच्छा, अब पढ़ाई हम कैसे करेंगे? असाइनमेंट्स, मैं कह रहा था कि असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे, तो क्योंकि मुश्किल चीज़ है तो जब तक आप इसको हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आएगा नहीं आपको। हम इस क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और रेगुलर करेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, अच्छा जितनी पढ़ाई करेंगे उसका डबल हम करेंगे प्रैक्टिस, सही है। जितनी पढ़ाई करेंगे उससे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डबल प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फिर जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उससे डबल हम उसकी करेंगे मार्केटिंग, सही है। ये मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो हम ये करेंगे कि जो भी असाइनमेंट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, उसको डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप खुद शेयर करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल वेपन है इस वक्त, मार्केटिंग के सेंस में भी बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसकी हम मार्केटिंग करेंगे, और आपके जितने भी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार हैं ना, सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप SMIT पेशावर कैंपस के अंदर एडमिशन आपका हो चुका है, और आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। और जो भी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा यार, अगर तो मैंने कुछ छोटा सा बनाया, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड बनाया है, अब वो मैं क्या शेयर करूँ, मैं शेयर करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार इतना सा तो इसने बनाया है और इतना शोर मचा रहा है, तो भाई मचाने दो, उनको बोलने दो, हम तो करेंगे शोर, सही है। क्योंकि इस क्लास में बैठे हुए आप जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, किसी को क्या पता, किसी को तो नहीं पता लगेगा, है ना। तो मुहावरा सुना होगा ना आपने कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जंगल में बहुत खूबसूरत मोर होते होंगे और नाचते भी होंगे, जब हैं तो नाचते तो होंगे वो, लेकिन हम में से तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, अगर उसकी जंगल में किसी ने वीडियो बना ली नाचते हुए, तो वो वीडियो वायरल होने का चांस है, उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, है ना। तो अब हम भी क्या करते हैं, जो जंगल में मोर नाच रहे हैं उसकी वीडियो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं SMIT पेशावर कैंपस में, और हमारी ये वेब डेवलपमेंट की जो 9 बजे वाली क्लास है उसमें हम मौजूद हैं। अच्छा, इनकी सबकी आपको मैं शक्लें दिखा देता हूँ। ये जी हमारे तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं,
जो कि इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं और आज इनकी पहली क्लास है। सुबह 9 बजे यहाँ पे ही आते हैं और 9 से 11 इनकी क्लास होती है। तो ये सब लोगों की आपको मैंने शक्ल दिखा दी। अच्छा, अब ये जो भी प्रोग्रेस इनकी होगी, जो भी इनको असाइनमेंट टास्क वगैरह दिए जाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, ये कब क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस भी आपको इसी तरह फेसबुक पे दिखाता रहूँगा मैं, और लिंक्डइन के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसको, तो वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। अच्छा जी, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़। ये देखो, हो गई मार्केटिंग। आसान था ना, मुश्किल तो नहीं था? बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। इसको अभी आपकी शक्लें दिखाई हैं। अच्छा, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जब आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो आप करके लाएंगे, आप सबके पास लैपटॉप मौजूद है, आप जो है उसको ओपन करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर उस असाइनमेंट को, और आपके पास आके ना मैं आपकी शक्ल भी दिखाऊंगा उसमें, और आपने क्यों असाइनमेंट जो किया वो भी जूम करके उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन जाहिर है हर किसी का नहीं होगा, जो अच्छे से बनाएगा असाइनमेंट, जो सबसे टॉप के लड़के होंगे उनको सिर्फ हम ये कर रहे होंगे, ये हर किसी का नहीं कर सकता। तो मैं खुद भी आपकी मार्केटिंग करूंगा, आपने भी करूंगी, और अपनी मार्केटिंग करने में आप बिल्कुल बेशरम हो जाएं, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग शर्माते हैं ना कि यार, अच्छा यार, मतलब क्या बोलेंगे लोग, या पता नहीं गलत नहीं हो जाए मुझसे, कहीं गलत तो नहीं हो जाए ना, तो कोई अगर उल्टा सीधा कमेंट कर देता तो उससे भी ज़रा दिल बर्दाश्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को, शर्म को आप निकाल के रख लें जेब के अंदर, है ना। आपकी शर्म कहाँ होनी चाहिए, आपकी जेब के अंदर डाल लें उसको और आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए कह रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ों में शर्म आपने रखनी है। तो आपकी नानी दादी घर में जितने हैं ना, सबको पता होना चाहिए कि आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, और जो आप यहाँ पे बनाएंगे ना असाइनमेंट, वो भी आपके जेब में होना चाहिए। नानी को आप दिखाएंगे ना घर जाने कि भाई ये मैंने ऐसे वेबसाइट बनाई है, नानी दादी को आपने पूरा इन्फॉर्म रखना है, क्योंकि नानी दादी ख़ानदान में सबसे अच्छी मार्केटिंग उनकी होती है। आपने नानी दादी को बता दिया तो बस ख़ानदान में हर जगह वो बात समझो पहुंच गई, ठीक है। क्यों, अच्छा मार्केटिंग करने का देखो फ़ायदा क्या होगा, मार्केटिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि जब इतने सारे लोगों को पता होगा ना, तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ेंगे उससे। अदरवाइज़ आप एक साल पूरा यहाँ पे कोर्स करते रहें, किसी को पता ही ना हो, आपके ना पड़ोसी को पता है, ना किसी रिश्तेदार को पता है, ना फेसबुक पे कभी आपने शेयर किया, तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आप वेब डेवलपर हैं? फिर तो आपको खुद जाके हर जगह सीवी बांटनी पड़ेगी ना, और कितनी जगह फिर बांटोगे सीवी? ये तो सीवी बांटना तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि पहले ही दिन से आपने इतना शोर मचाया हुआ कि आज से 5 साल बाद भी किसी को चाहिए हो ना वेब डेवलपर, तो बोले अरे यार मेरा वो पीछे गली में एक लड़का रहता था मेरे, वो कर रहा था कोर्स, तो उसको फ़ोन करता हूँ। किसी का भी कोई काम फंसे ना वेब से रिलेटेड, तो उसके जहन में आपका नाम आना चाहिए कि यार, है ना। या किसी को कोई बोले कि यार कोई वेब डेवलपर अच्छा बताओ, तो उसके जहन में आपका नाम आना चाहिए। ये तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, ये सीवी बांटने से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो सीवी ले जाके देते हैं वो तो बंदा दराज में डाल के उसको बंद करके रख देता है, उसको देखता थोड़ी है कोई, है ना। कभी कभी वो, अब जब नई दफ़ा चाहिए होता है तो वो क्या कहते हैं, नई सीवी वो जमा करते हैं। आ जा अच्छा यार, नॉक नहीं किया करो, डायरेक्ट आ जाया करो ना, ठीक है, क्योंकि नॉक करने से डिस्टर्बेंस होती है, अगर आप खामोशी से आ जाएंगे तो शायद कम डिस्टर्बेंस हो, ठीक है ना। चलो, तो इसको यार बंद कर देते हैं ना। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, इसको बंद रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने बात कर ली मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग के लिए हम जितने भी सोशल मीडिया, एक तो सब पे शेयर करेंगे, लेकिन एक ख़ास किस्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर आपने ज़रूर शेयर करना है इसको, वो है LinkedIn.com, ठीक है। LinkedIn का सब लोगों को पता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता LinkedIn का? कोई ऐसा है जिनको नहीं पता है? 2-4 लोगों को नहीं पता है। अच्छा, बिल्कुल फेसबुक की तरह कोई फ़र्क नहीं है, बस उसका एड्रेस है LinkedIn.com। गूगल पर लिखेंगे LinkedIn लिंक, मैं ग्रुप अभी जो बनेगा ना उसमें उसका नाम भी लिख दूंगा, तो उसमें आप सब लोगों ने अपना अपना अकाउंट ज़रूर बना लेना है, ठीक है। ये आपका पहला असाइनमेंट हो गया आज के दिन, आपका असाइनमेंट जो है वो आपने घर जाके इस LinkedIn.com के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। एक और वेबसाइट बताऊंगा, 2 वेबसाइट है जिस पे आपने अकाउंट बनाना है। अच्छा, LinkedIn.com जो है ना वो क्या वेबसाइट है, जैसे फेसबुक पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप कुछ डिटेल्स दे रहे होते हैं ना कि जी मैं
पेशावर में रहता हूँ और मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इस तरह थोड़ी छोटी मोटी दो चार बातें आ रही होती है ना उसके अंदर प्रोफाइल में, तो जो लिंक्डइन है ना उसके अंदर जो आ रही होती है वो सारी डिटेल आ रही होती है। वो जब आप अकाउंट उस पर बनाएंगे तो वो आपसे एक एक करके ना हर चीज़ पूछेगा सेटिंग के अंदर ना, उसकी हर चीज़ वो पूछेगा कि जी आपने पढ़ाई क्या की है, कब कब कितनी कितनी पढ़ाई की है और कहाँ कहाँ से की है, वो सारा जो सीवी के अंदर जो जो चीज़ें आप लिखते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन है लगाने का। उसको उन्होंने बनाया इस तरीके से कि जब आप अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपकी ये सीवी बन के तैयार हो जाती है। तो आप उसमें लिखेंगे अच्छा जी मैंने कहाँ कहाँ जॉब की है और कितने कितने टाइम की है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरी एजुकेशन है, ठीक है, मैंने सर्टिफिकेशन जो की हुई है वो ये वाली की हुई है, और अपने बारे में और भी मज़ीद बातें, ठीक है ना, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब आप वहाँ पे लगा देते हैं। और वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है कि उसमें सारे काम धंधे वाले लोग होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो फेसबुक वाले मीम्स इंटरटेनमेंट ज़रा कम है। तो वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है और वहाँ पे आपने इसको शेयर करना है। अच्छा वहाँ पे अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा है, लिंक्डइन की क्यों इतनी वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्लास में। देखो आज से 10 15 20 साल पहले ना जो यहाँ से लोग अमेरिका जाते थे यूरोप जाते थे तो वहाँ पे दुकान होती थी, आज भी कहीं ना कहीं वो शायद एग्जिस्ट करती है लेकिन वो अब उस तरह से अब वो बंद हो चुकी है, लिंक्डइन के आने से ना वो दुकानें बंद हो गई हैं। तो गोरा साहब जो है उसने एक दुकान खोली हुई होती थी जॉब बेचने की, वो नौकरी बेच रहा होता था उस दुकान में। तो यहाँ से हमारे बंदे जाके उसके यहाँ के भी और उधर के रहने वाले भी सारे सारे लोग जिसको भी नौकरी चाहिए होती थी वो उस दुकान में जाता था, और वो कहता था जी कि मेरा ये क्रेडेंशियल्स हैं, मैंने इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है और ये काम मुझे आता है, तो आप मुझे जो है ना नौकरी बताएं कौन सी आपके पास। तो वो अपने खातों में देख के अच्छा जी ये नौकरी है, चार पांच वो नौकरियां बताता था, वो कहता था जाओ जी यहाँ पे इंटरव्यू दो जाके, तो इस तरह करके वो नौकरियां बेच रहा होता था और वो पैसे लेता था उसके, बेच रहा है तो ज़ाहिर पैसे लेके बेचेगा। तो जब वो कहीं नौकरी आपको लगाता था तो आपसे कहता था यार 2 महीने की तनख्वाह मेरी है इसमें या 3 महीने की तनख्वाह मेरी है उसके बाद आपकी है, तो वो अच्छे खासे पैसे जो है ना उससे बना रहा होता था। अच्छा लोगों को भी फायदा था, लोगों को नौकरी मिलती थी, अगर किसी को अर्जेंटली नौकरी चाहिए तो वो कहता था चलो ठीक है यार 1 महीने की 2 महीने की तनख्वाह अगर ले रहा है बंदा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल था लोगों के लिए। अच्छा फिर वो उसके बाद नौकरियां आती कहाँ से थी, वो कहाँ से नौकरियां जमा करके बैठा होता था, तो वो कंपनियां उसको बोलती थी आगे कि जी हमें बंदे चाहिए। जैसे अभी अगर किसी को किराए का मकान चाहिए किसी मोहल्ले में तो वो कहाँ जाता है, वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, एस्टेट एजेंसी वाले के पास। तो एस्टेट एजेंसी वाले के पास वो जाके कहता है जी मुझे इस मोहल्ले में ऐसा ऐसा मकान दिखाओ कि जी वो 2 कमरे का मकान हो और या पोर्शन हो या पूरा घर हो या उसमें पार्किंग होनी चाहिए, इस तरह की दो चार बातें वो मैं बताऊंगा कि इस तरह का मुझे जी मकान मुझे बताओ। तो वो अपने खाते खोल के देखेगा अच्छा ये अवेलेबल है, तो चलो जी आज शाम को आओ मैं आपको ये चारों जगहें विजिट कराता हूँ, चार जो अवेलेबल है ना। तो इस तरह होता है, फिर जब वो किराए पे लगता है तो वो पैसे लेता है और उधर से भी पैसे लेता है, तो सेम यही काम वो गोरा साहब कर रहा था। तो कंपनीज किसी बंदे ने अगर फैक्ट्री लगाई ना, 200 लोग उसको चाहिए, कपड़े की फैक्ट्री लगा रहा है वो, अब 200 लोग उसको चाहिए, वो अगले जनवरी के महीने में शुरू करेगा काम। तो वो इसको आगे कहता था कि भाई मुझे 200 लोग चाहिए जो कपड़े का काम करना जानते हैं, जो भी मशीनें होती हैं कपड़े की वो चलाना जानते हैं, और जनवरी से पहले पहले मुझे ये 200 बंदे करके दो। तो वो उसके पास नौकरी आती थी तो वो कहता था यार 200 बंदे तो मैं दूंगा, मुझे पैसे दो, उससे भी पैसे लेता था, इससे भी पैसे लेता था, दोनों से पैसे लेके, और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर LinkedIn.com आ गया और उसकी दुकान बंद हो गई। कैसे हुआ बंद, वो ऐसे बंद हो गया कि अब मुझे अगर कराची के अंदर अगर 100 बंदा मुझे चाहिए जो वेब डेवलपमेंट जानता हो, है ना, मर्न स्टैक पे काम करना जानता हो, जो हम इंशाल्लाह यहाँ पे मर्न स्टैक करेंगे, तो या जावास्क्रिप्ट जानता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं जाके लिंक्डइन पे लिखूंगा जावास्क्रिप्ट और साथ में लिखूंगा कराची और सर्च का बटन दबाऊंगा तो सारे मेरे पास वो लोग आ जाएंगे जो कराची और जावास्क्रिप्ट है ना, अब उसमें से मैं चुन लूंगा जो मुझे चाहिए होगा बंदा। या अगर मुझे चाहिए पेशावर के अंदर ऐसा बंदा, 200 ऐसा बंदा चाहिए मुझे जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप जानता हो, PWA जो हम इंशाल्लाह यहाँ पे कवर भी करेंगे, या वो डेटाबेस जानता हो MongoDB, MongoDB पढ़ना जानता हो, तो मैं जाके लिखूंगा पेशावर और साथ में लिखूंगा MongoDB, है ना। फिर साथ में मैं अगर मुझे चाहिए नहीं यार वो उसकी जो एज है ना वो हो 25 साल से 30 साल के दरमियान,
मैं वो भी लिखूंगा तो वो सारे 25 से 30 वाले आ जाएंगे। अच्छा, लिंक्डइन भी पैसे मांगता है, लेकिन वो फ्री में इतना कुछ दे देता है कि बहुत बहुत चीज़ें वो फ्री में भी दे देता है। जैसे ये एज वाला है ना, ये फ्री में नहीं देता, वो कहता है इसमें इसमें पैसे दो मुझे, तो प्रीमियम है वो भी, ज़्यादा महंगा नहीं है, वो 4-5 या 10 डॉलर महीने का है। तो वो जिसने हायरिंग करनी है उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम एज अ फ्री लांसर, एज अ डेवलपर, हम अपनी उस CV बना देंगे उसके ऊपर, और हमें हमसे कोई पैसे नहीं लेता। वो जिसने हायरिंग करनी है, जिसको बंदे चाहिए, उनसे लेता है पैसे। तो हमने क्या सीखा कि लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ आपकी प्रोफाइल होने से, सिर्फ आपकी प्रोफाइल मौजूद होने से आपके जॉब मिलने के चांसेस खुद ही बढ़ जाते हैं, है ना? क्योंकि किसी ने, अब आप देखें जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे पढ़ेंगे आप, तो आपने अपनी प्रोफाइल में जावास्क्रिप्ट लिखा है, फिर आपने लोकेशन भी लिखी हुई अपनी कि जी पिशावर एड्रेस के अंदर ना, तो अब किसी बंदे ने किसी भी जगह पूरी दुनिया में जाके, पूरी दुनिया में से किसी ने भी लिखा ना जावास्क्रिप्ट और साथ में लिखा पिशावर, या मर्न स्टैक लिखा साथ में लिखा पिशावर, तो आपका नाम उसमें आ रहा होगा, है ना? तो ये तो बड़े फ़ायदे की बात है। तो इसके ऊपर प्रोफाइल पहली फुर्सत में आपने अपनी तैयार कर लेनी है, ठीक है? ये ऐसी CV है जो आपने किसी को देनी नहीं है, लोग खुद उस CV को तलाश करते करते आएंगे, पूरी दुनिया के लिए पब्लिक है ये CV, ये ऐसी CV आपने बना ली है। तो इसके ऊपर आप प्रोफाइल बनाएंगे, और इसको अभी सिर्फ साइनअप करके सिर्फ नाम लिखा हुआ और फोटो आ रही हो, बस इतना अभी असाइनमेंट है आपका। जब वंस आप प्रोफाइल बना लेंगे तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहेंगे, तो आपको सारे वो प्लेटफॉर्म में जो जो चीज़ें होती है ना, वो एक एक करके आपको खुद ही सीखते जाओगे। जैसे फेसबुक, किसी ने कोर्स तो नहीं करवाया ना, फेसबुक का कोई कोर्स तो नहीं किया ना किसी ने कहीं, खुद ही सीख जाता है बंदा, ठीक है? या तो दोस्तों के साथ बैठता है तो उससे कोई बात शेयर होती है, वो कोई नई बात बता देता है, तो इस तरह ही सीखता है बंदा फेसबुक। तो ये लिंक्डइन भी आप इसी तरह सीख जाओगे, और इंशाल्लाह ये वेब डेवलपमेंट भी पूरा ना इसी तरह सीख जाओगे आप, ठीक है? आप इतने सारे लोग हो, आपस में आप बैठोगे, बात करोगे, नई चीज़ें कोई बताएगा, कोई नई चीज़ें बताएगा, तो ये सारी चीज़ें इस तरह सीख जाओगे। अच्छा, तो ये तो बात हो गई जी हमारी मार्केटिंग की, बात हो गई नंबर एक, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई, डबल प्रैक्टिस, उससे ज़्यादा मार्केटिंग। फिर मार्केटिंग की हमारी बात हो गई, लिंक्डइन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब ज़रा सा एक बात हम और कर लेते हैं, वो हम बात ये कर लेते हैं कि मैं ज़रा टाइम भी देखता रहूँ कि पैसे कमाने हैं भाई हमने, सही है? पैसे हमने ज़रूर कमाने हैं, और कोशिश ये होगी मेरी कि ये कोर्स जब ख़त्म हो ना, तो कम से कम 50% लोग आप में से जो है ना, उनकी जॉब फ़ौरन लग जाए, कोर्स ख़त्म होते ही फ़ौरन उनकी जॉब लग जाए, ठीक है? तो ये उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब आप भी सामने से कॉपरेट करेंगे ना। अच्छा, कॉपरेशन आपसे मुझे क्या चाहिए? मेहनत, सही है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या कोई बात समझ नहीं आई है, तो उसके लिए बताने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है? मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगा, अब इंशाल्लाह आपका इंट्रो भी लेंगे हम इसी वजह से, ताकि मैं, अब मुझे पता लग जाए किस लेवल के लोग हैं, तो मैं उसी लेवल पे आ जाऊँ। आया कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हाई IQ वाले लोग हैं, या आया कि ज़रा बिगनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिस तरह के लोग होंगे, मैं अपने आप को उस लेवल पे ला के आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा बाद में। तो जहाँ मैं कॉपरेट करूँगा, तो आपसे भी मुझे कॉपरेशन चाहिए कि आप मेहनत करेंगे, सही है? ऐसा ना हो कि आप उसको टाइम ही ना दे रहे हो। वेल, तो हमें पैसे कमाने हैं भाई। अच्छा, आम तासुर हमारे पास एक ये पाया जाता है कहीं ना कहीं कि ज़्यादा पैसे कमाने, यानी किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो ना, तो एक आम तासुर में ना हम उसको एक तीसरी नज़र से देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं हराम का पैसा होगा शायद, या अगर कोई ये नहीं कहता तो शायद वो ये सोचता है कि यार ये तो बस पैसे का पुजारी है, पूरा इसने ना पैसे पैसे के पीछे ही भाग रहा है बस, और इसको ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ पैसे कमा रहा है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है वाकई कि ज़्यादा पैसे कमाना कोई गुनाह का काम है, या ज़्यादा पैसे कमाने वाले को कोई किसी ने मतलब अप्रिशिएट किया है या नहीं किया, तो आया कि इस्लाम हमारा इस बारे में क्या कहता है ना? तो ये ज़रा एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने यार पैसे कमाने हैं ज़्यादा, अगर ये वाली बात क्लियर नहीं होगी ना, तो आपको पता ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि जो शुरू से नियत होती है, आखिर में होता वही है भाई। अल्लाह ताला ने बताया कि जो आप जो नियत करोगे ना, तो अल्लाह ताला फिर वही करता है आपके साथ, जो आप जिस चीज़ का गुमान रखते हो ना, होता वही है। तो अगर आपका गुमान सही हो ना, जो कहते हैं ना अमल का दारोमदार सारा नियत पे है, तो नियत आपकी ठीक हो ना अगर, तो ये पढ़ना पढ़ाना भी आपका इबादत है। आ जाए, आ जाए, तो नियत रखने के लिए ना, नियत सही रखने के लिए,
ज़रा डेटा मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ छोटा मोटा। देखो भाई, मुसलमान जो है ना गरीब नहीं होता, मुसलमान होता है पैसे वाला। अच्छा, क्योंकि पैसे वाला नहीं होगा तो वो ज़कात कहाँ से देगा, है ना। मुसलमान पे ज़कात जो है वो तो फ़र्ज़ है, जो पांच अरकान है इस्लाम के। तो पांच अरकान में से चलो नमाज तो फ्री की है और रोज़ा भी फ्री का है, लेकिन बाकी के जो तीन है वो तो पैसे के हैं, है ना। जो हज, ज़कात और जिहाद, है ना, ये तो तीनों पैसे के बगैर कहाँ होते हैं। जंग लड़ने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, और असलाह ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, है ना। अभी अगर हमने इंडिया से जंग करनी है पाकिस्तानी फ़ौज को, तो ज़ाहिर है असलाह तो इस्तेमाल होगा ना, वो तो बहुत पैसों से आता है। अच्छा, इसी तरह हज करने जाएंगे तो ट्रैवल की तो कॉस्ट है ना, चाहे आज से 1400 साल पहले जाते थे या अब जाते हैं, तो उस वक्त भी पैदल जब सफ़र करते थे आप, तो आज अभी से ज़्यादा पैसे लगते थे। आप सोचो ना, पैदल सफ़र करोगे तो पता नहीं 2 महीने में जाके वो कंप्लीट होगा, तो 2 महीने में डेली का खाने पीने का जो एक्सपेंस है वो आप लगाओ तो अभी के जहाज़ के ज़्यादा बनता है। अभी का जहाज़ वाला ट्रैवल तो कम पैसों में हो जाता है नस्बता, तो हमेशा से ये महंगा रहा है। कभी भी ये हज करना कभी भी सस्ता नहीं रहा है ज़िंदगी में। तो ये तो बाकी के तीन अरकान तो हैं ही पैसे वाले, गरीब आदमी पे ये तो, गरीब आदमी पे तो ये है भी नहीं हज, और गरीब आदमी पे ज़कात भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता गरीब है तो उसको तो कहते हैं कि जी आप अगर भूखे हो, आप पेट बिल्कुल खाली है आपका, तो आप ज़कात ले लो कहीं से जाके, जो दे रहा है उससे आप ले लो जाके और अपना पेट भर लो पहले, है ना। इसी तरह ना, तो ज़कात देने की बात तो फिर बहुत बाद में है, कि जब तक आप साहिब हैसियत नहीं हो जाते, आप जब तक आपके पास 7 तोला सोना के बराबर आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो जाती, तो जब तक आप पे ज़कात नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ज़कात है पैसे वालों के लिए सिर्फ, ठीक है ना। और इस्लाम का रुकन है, तो इसका मतलब है कि मुसलमान पैसे वाला होता है, जब ही तो उस पर ये रुकन लगाया है पैसे वाला। तो और ज़्यादा पैसा कमाना कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, हज़रत उस्मान बिन औफ अशरा मुबशरा में से हैं सहाबी। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही ये बशारत दे दी थी कि आप जन्नत में जाएंगे, तो ये उनमें से एक हैं। अच्छा, तो हज़रत उस्मान बिन औफ जो हैं वो जन्नती सहाबी हैं, तो अगर इन्होंने कोई गुनाह का काम किया होता तो जन्नत में तो वैसे भी नहीं जाते, है ना। तो हज़रत उस्मान बिन औफ जब उनकी वफ़ात हुई, तो वो जो तरके के तौर पर छोड़ के गए दुनिया से, जो माल वो 3.1 बिलियन दिनार छोड़ के गए, ठीक है, 3.1 बिलियन दिनार। अच्छा, ये मैं कोई हदीस की भी बात नहीं बता रहा, ये विकिपीडिया पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। यानी ये वाली बात तो गोरा साहब भी मान रहा है ना। गोरा साहब मानता नहीं है ना, गोरा साहब बोलता है कि ये कहानी है, किस्से हैं, वो मानता नहीं है, लेकिन ये बात वो भी मान रहा है। यानी तारीखी बात है, ये हदीसों में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन तारीख भी इस बात की गवाह है, तारीख भी इस चीज़ को मानती है ना। तो सब मानते हैं उसको, ये कोई यानी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें अख्तलाफी मसला नहीं है कि एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा, इसको सब मानते हैं कि जी वो 3.1 बिलियन दिनार वो छोड़ के गए। और वो पता नहीं कितने हज़ार ऊँट वगैरह, बकरियाँ वगैरह भी, असल में तो उस वक्त माल ये माल मवेशी होता था ना, मवेशी भी वह काफ़ी तादाद में वो छोड़ के गए, ठीक है। तो अच्छा, और ऐसा भी नहीं था कि वो ख़ानदानी पैसे वाले थे, ऐसा नहीं था कि कोई ख़ानदानी पैसे वाले थे, वो पैसे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कमाए। जब वो आए थे, जब इस्लाम लेकर आए थे जब वो, तो उस वक्त वो गरीब थे, वो कहीं और से ट्रैवल करके आए थे गालबन, तो वो इतने पैसे वाले नहीं थे वो। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे ना मुकामी, तो इन सहाबी जो थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ पैसे वैसे जोड़ के ना उनको एक दुकान लगवा के दी थी, दूध दही का वो काम करते थे, तो वो दुकान उनको लगा के दी थी, तो वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। फिर उन अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी और उतने उन्होंने इतनी मेहनत की होगी ज़ाहिर है, तो वो उसमें इतने पैसे उन्होंने बना लिए। तो ये सारा कुछ आप सल्लम के आंखों के सामने हुआ है ना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी भी उनको मना नहीं किया, कभी भी ये नहीं बोला कि उस्मान आप इतने पैसे कमा रहे हैं, आप ज़रा क्या कहते हैं ये टाइम बचा के इबादत किया करें, ये नहीं बोला। जो फ़र्ज़ इबादत है वो तो आपने करनी है ज़ाहिर है, उसके लिए तो आपने टाइम स्पेयर करना है, लेकिन किसी भी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम ने उनको मना नहीं किया पैसे कमाने से, ना उनको कोई ऐसी बात बोली जिससे मना करने का तासुर मिलता हो, कभी भी ऐसा नहीं बोला, है ना। तो जो काम जो नबी होता है ना, नबी के ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ होती है कि अगर उसके सामने कोई खिलाफ शरीयत काम हो रहा है उसको फ़ौरन मना कर दे, और उस मना करने के नतीजे में फिर सामने से जो भी हो ना, कोई जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसका, लेकिन उस वक्त उस पर फ़र्ज़ होता है कि भाई उसको मना कर दे। तो अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, है ना। और अगर वो नबी के सामने वो काम हो रहा है
और नबी ने मना नहीं किया तो वो हुज्जत होती है कि जी ये काम जायज़ है। जैसे अरब में ना एक जानवर होता है, गोह कहते हैं उसको, वो सांप और छिपकली के दरमियान की कोई चीज़ होती है, उसको पैर वाला सांप कहते हैं बच्चे, तो वो सांप होता है असल में, उसकी ज़ुबान वो सांप की तरह वो निकालता है और पैर होते हैं उसके, बड़ा सा होता है इतना बड़ा, तो उसको वो खाते हैं अरब ना, तो उसको यानी उसके हलाल होने की जो हुज्जत है वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख़ुद उसको नहीं खाया, उस जानवर को कभी ख़ुद नहीं खाया, बकरियाँ वगैरह गाय खाई है, गाय का गोश्त खाया है, लेकिन वो जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कभी उसका गोश्त नहीं खाया, लेकिन आपके सामने उसको किसी ने खाया है, सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको नोश किया है, तो अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया तो ये हुज्जत है कि जी वो हलाल था, जब भी मना नहीं किया, तो इसी हुज्जत के तहत वो आज उसको हलाल समझते हैं और आज खाते हैं उसको। हमारे यहाँ असल में ज़रा चिकन वगैरह का हमें ज़्यादा शौक है, हमारे पास वो जानवर होता भी नहीं है इधर, है ना, उधर वो होता है सहराई का, सहरा का जानवर है, उधर होता है तो वो उधर खाते हैं, वो शुरू से खाते हैं, तो वो एक हुज्जत है। तो भाई पैसा कमाना मना नहीं किया तो ये भी हुज्जत है कि पैसा कमाना बिल्कुल जायज़ है, और 3.1 बिलियन दिनार तक तो जायज़ है, उसके आगे अगर आप जाओगे तो फिर वो किसी मौलवी से पूछ लेना 3.1 बिलियन दिनार तक आपका मैंने रास्ता खोल दिया, ये हदीस बता के, है ना। अच्छा, और 3.1 बिलियन दिनार कोई कम नहीं होता ये भाई, एक दिनार जो है ना उस वक्त 4.5 ग्राम का होता था, तो आप ज़रा करो आप हिसाब लगाओ, 4.5 ग्राम का एक दिनार होता था और उसको मल्टीप्लाई बाई 3.1 बिलियन, ये जितने आजकल की ये जेफ बेजोस, ये टिम कुक और ये स्टीव जॉब है ना, ये बिल गेट्स, सारे पीछे रह जाएंगे। अब्दुल रहमान बिन औफ, सॉरी उस्मान बिन औफ, मतलब अच्छा हाँ नहीं, विकिपीडिया पे ये आपने सही कहा, ये हज़रत उस्मान बिन औफ नहीं है, अब्दुल रहमान बिन औफ है, हाँ मैं गलत शायद कह रहा था, थैंक यू यार करेक्ट कर दिया आपने। वेल, तो बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, नहीं है ठीक है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो बात समझ आनी चाहिए, है ना। तो कभी ऐसे में कोई बात कहूँ ना तो करेक्ट करवा दिया करूँ, अच्छी बात होती है, कभी होता है ना मैं कुछ और बोल रहा होता हूँ सोच रख, वो एक मुहावरा है ना अंग्रेज़ी में कि माई ब्रेन कैन स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन माई टंग, कि मेरा जो दिमाग है ना वो ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं बोल पाती, वो वाला ज़रा है दिमाग में समटाइम ना सोच रहा बंदा कुछ और होता है और मुँह से बोल रहा कुछ और ही होता है। वेल, तो मैं ही बता रहा था कि भाई 3.1 बिलियन को आप मारेंगे ना मल्टीप्लाई जब 4.5 ग्राम से, तो पता नहीं कितने 1000 किलो बनते हैं सोना, ये ना तो बहुत अच्छा खासा पैसा है ये, ठीक है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 2-4 मुल्क आप खरीद सकते हैं ऐसे यूं ही सही है। तो अच्छा, और तो हमने ये देखा कि भाई पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह ताला ने पैसे कमाने पे कोई लिमिट नहीं लगाई है कि जी आप इतने कमाओ इतने पे रुक जाओ, इस तरह की कोई बात नहीं की, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन खर्च करने पे लिमिट लगाई है, खर्च करने पे लिमिट है कि जी आपने ना बेतहाशा खर्च नहीं करना, खर्च आपने उतना ही करना है जितनी आपकी ज़रूरत है, ठीक है। वो इसराफ़ के वो सारे टॉपिक्स आपको पता है, स्कूलों में भी पढ़ाए जाते हैं कि जी वो इसराफ़ किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। फिर आपने कम भी नहीं खर्च करना, ये भी नहीं कि जी खर्च कर ही नहीं रहे, सब रखा हुआ है आपने, अच्छा। मगर ये खर्च करने की जो लिमिट है ये भी आपके अपने ऊपर है कि जी आपने अगर ख़ुद पैसा कमाया ना तो आप अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं ना उसकी अल्लाह ताला ने लिमिट लगाई है, लेकिन किसी और पे खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। वही पैसा ना अपने ऊपर आप खर्च करें तो उसका हिसाब होगा, किसी अपने पे आपने खर्च किया तो क़यामत वाले दिन आपने हिसाब देना है, लेकिन वही पैसा आप किसी और पे खर्च करें तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, है ना। तो और मुसलमान हमेशा से पैसे वाला रहा है, बस बात ये है कि उसने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, खर्च उसने किया हमेशा दूसरों पर। जी जी, क्योंकि जब फतेह मक्का जब हुआ तो मुसलमानों के हाथ बड़ा पैसा लगा था, जो कुरैश एक तो खुद पैसे वाले थे वैसे भी, तो जो मक्का के अंदर ये सारे जो सरदार थे ये बड़े पैसे वाले थे, ये जो अबू जहल था ये भाई बड़ा पावरफुल बंदा था, ये पैसे वाला बंदा था। फिर ये इनके जितने भी ये मंदिर वंदिर होते थे जो बुत को पूजते थे ये, तो उसमें सब में वहाँ पे सोने हीरे जवाहरात ना ये छुपा के रखते थे, बुतों के अंदर भी रखते थे, बुत भी समटाइम वो सोने के बनाए होते थे, तो अच्छा खासा पैसा इनके हाथ लगा था। और फिर आप ये सोचें ना,
मक्के जी, एक बंदा अपना लश्कर लेके आता है और मक्का को फतह कर लेता है, तो वो बंदा कौन हुआ? वो मक्के का बादशाह हुआ ना, यानी टेक्निकली देखा जाए तो वो तो मक्के का बादशाह हुआ। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, इतना पैसा भी हाथ लगा, तो आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर खर्च किया। उसके बाद की भी आपको जो हदीसें मिलेगी ना उस पर, जो ज़रा, क्योंकि हदीस बात तो चलो कुछ और कर रही है, लेकिन उसमें एक माहौल बयान हो रहा होता है ना कि किस किस तरह का माहौल है उस वक्त। तो माहौल आपको यही मिलेगा कि जी अल्लाह के नबी जो है वो एक चटाई पे सोए हुए हैं, वो चटाई खजूर की है और जिस्म पे उसके खजूर की चटाई के निशान बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह का ही आपको मंजर दिखेगा। तो अपने ऊपर खर्च नहीं किया, पैसा था ज़रूर। फिर उसके बाद तो फतह मक्का के बाद तो फिर कैसर और किसरा की जब बारी आई, जब ये रोमन एम्पायर इन्होंने गिराया, तो उनका तो इतना ख़जाना था कि उनकी तो ख़जाने की चाबियां 70 ऊँटों पर जाती थी, इतना उनके पास ख़जाना था। तो वो सारा मुसलमानों को मिल गया वो, है ना। तो पैसा बहुत मिला है। और फिर उसके बाद ही तो जो खुलफाए राशिदीन, जो उनका जो दौर गुजरा है, आप देखें वो बड़ा गोल्डन पीरियड गुजरा है, क्योंकि पैसा बहुत था। तो बैतुल माल से जो अभी आप सुनते हो ना कि जी जितने भी यतीम थे उनको भी बैतुल माल से वो पैसे दे रहे होते थे, और जी जिसका जो बेटा जंग में शहीद हो गया तो उसको भी बैतुल माल से दे रहे हैं। तो कुछ साहबी ऐसे थे, उन्होंने कहा जी अच्छा हम तो वो ओहद में लड़े थे, हम तो उसकी वजह से हमें वजीफ़ा मिल रहा है, तो हमें कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं। वो इतना वजीफ़ा कहाँ से आता था, वो पैसे ही बहुत थे भाई, इतने पैसे थे कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप हज़रत उमर को जब देखेंगे, तो हज़रत उमर का जब इंतकाल हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी 4 दरहम थी, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, वो सारा लुटा दिया अल्लाह के रास्ते में। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि पैसे थे नहीं, पैसे थे बहुत, तो पैसे आपने कमाने हैं। फिर आपने वो वाक़या बड़ा मशहूर सुना होगा हज़रत उमर का, कि जी वो एक दफ़ा उन्होंने पूरे शहर की दावत की, तो वो कोई गुजर रहा था मुसाफिर वहाँ से, तो वो जी आ गया। वो पहले रिवाज ये होता था मुसलमानों का कि जी किसी शहर में जब एंटर होते थे ना, तो पहले मस्जिद में जाके ज़रा नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्रेश हो गया ना, फिर वो शहर के अंदर आते थे और बाकी के काम फिर करते थे। तो वो गए जी मस्जिद में, नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर उन्होंने कहा चलो जी दावत खाते चल के, सबकी जब दावत है ना, सारी दावतें आम हैं। तो उन्होंने जाके कहा मुझे 2 बंदों का खाना दें आप। अच्छा, तो पूछने वाले ने पूछा कि जी 2 बंदों का क्यों दें आपको, सब तो एक बंदे का ले रहे हैं, है ना। उसने कहा मैंने मस्जिद में एक बंदा देखा है, एक नौजवान वहाँ पे लेटा हुआ है, तो मैं उसको ले जाके दूंगा, वो मुझे ज़रा खस्ता हाल लग रहा है, ज़रा भूखा लग रहा है मुझे वो। तो उसने कहा कि हंस के कहा कि यार आप उनकी फ़िक्र छोड़ दें, आपको पता है वो कौन है, उन्होंने ही की है दावत ये, है ना। वो अमीरुल मोमिनीन है इस वक्त, वो बादशाह है इस जगह के जहाँ पे आप खड़े हैं। तो आप देखें कि यार लोगों को खिला रहे हैं और अपने ऊपर कोई खर्च नहीं किया हुआ। इतनी बड़ी दावत करना कोई आसान है? यहाँ तो एक शादी करो तो हवा निकल जाती है बंदे की, इतना खर्चा हो जाता है ना। खाना पीना कोई आसान काम तो नहीं है। पूरे शहर की दावत करने में तो शायद पता नहीं करोड़ों रुपए लगेंगे, शायद सिर्फ पेशावर शहर इतना बड़ा है यार, इसकी पूरे की दावत करेंगे तो पता नहीं करोड़ों भी शायद कम बोले हैं मैंने, शायद अरबों में कहानी पहुँच जाए। तो फिर आपको पता है दावत में बंदा थोड़ा खाता भी ज़्यादा है ना। तो भाई फिर पैसे तो बहुत लगते हैं। तो आप सोचे ना, उन्होंने पूरे शहर की दावत कर दी लेकिन खुद अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं वो। तो मुसलमान भाई पैसे वाला होता है, मुसलमान पैसे कमाता है, खर्च दूसरों पे करता है, अपने ऊपर उतना ही करता है जितनी उसकी अशद ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं करता अपने ऊपर। अच्छा, तो ये हमने बात सीख ली कि जी पैसे हमने कमाने हैं। दूसरी बात कि जी आपका जो ये जो हम क्योंकि चीज़ें सीखने जा रहे हैं ना, ये इल्म जो हम सीखने जा रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है, तो ये इल्म आपने ना अल्लाह से मांगना है, ठीक है। तो एक दुआ हमारे टीचर ने हमें सिखाई थी, एक काशिफ रिजवान साहब हमारे टीचर एक हैं, उन्होंने हमें सिखाई थी, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप लिखेंगे ना गूगल पे आबे जमजम पीने की दुआ, तो उसमें आएगा ये। तो वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्कन वासिया व शिफा मिन कुल्ली दा। इसमें 3 चीज़ें अल्लाह से तलब कर रहा है इंसान। सबसे नंबर 1 पे नफ़े वाला इल्म, इल्मन नाफ़े, ठीक है। इल्म इतनी बड़ी दौलत है यार, ये मांगने वाली चीज़ है इसके बगैर, क्योंकि पैसा वैसा जितना भी है ना ये सारा, ये इल्म का बाई प्रोडक्ट है भाई। अगर कोई बंदा जहाज़ चलाता है, 40-50 लाख महीने के लेता है वो पायलट इस वक्त जो है, तो वो 40-50 लाख जो पैसे ले रहा है वो असल में बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको जहाज़ चलाना आता है। हर किसी को तो नहीं आ सकता, बटन ही हो तो मैं, इतने सारे बटन होते हैं एक लैपटॉप में तो थोड़े से बटन है, उसमें इतने सारे होते हैं पता नहीं, ऐसे कोई घुमाने वाला बटन है, कोई खींचने वाला बटन है, कोई ऊपर नीचे करने वाला है, तो हैंडल लीवर पता नहीं इतने सारे होते हैं।
तो वो तो भाई उसको तो देख के ही सर चकरा दिया बंदे का कि यार ये चलेगा कैसे। और फिर इतनी ऊंचाई पे उड़ता है, 35,000 पता नहीं 30,000 फीट की ऊंचाई पे, तो वहां से अगर गिरा तो फिर कोई भी एक बटन छूटा तो सीधा नीचे तो मुश्किल काम है ना। तो जो उसका जो इल्म है ना ये जहाज चलाना वो जानता है, पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है ना। जो भी आपके अगर आपके पास अच्छा इल्म होगा, नफे वाला इल्म होगा, ऐसा इल्म होगा जो इस वक्त की ज़रूरत है, जो तो पैसा उस इल्म का बाई प्रोडक्ट है, वो खुद ही आएगा। तो अल्लाह से आपने क्या तलब कर लिया, सबसे नंबर वन पे नफे वाला इल्म, इल्म नाफे, दूसरे नंबर पे वसत वाला रिज़्क है ना, रिज़्क वासिया। अब ये रिज़्क क्या चीज़ है, रिज़्क जो है ना वो एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सिर्फ खाना पीना या जेब में नोट होना ये भी रिज़्क में शामिल है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो शायद आम तौर पे ना रियलाइज़ नहीं करते शायद, या आम तासुर में ना सिर्फ उसको पैसे को ही रिज़्क समझते हैं ना लोग, ठीक है। तो ये ज़रा भी तासुर में आपका चाहता हूँ कि ज़रा सा इस सोच को बड़ा किया जाए, आपके इसको सोच को ब्रॉड किया जाए कि जी आपके जो अगर अच्छा दोस्त आपके पास मौजूद है ना तो वो भी आपका रिज़्क है, आपके माँ बाप आपका रिज़्क है, अच्छे माँ बाप होना हर किसी को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपके भाई बहन अगर अच्छे हैं, आपका अगर अगर बेटा है आपका या बेटी है आपका फर्माबरदार है, वो अल्लाह का रिज़्क है आपके, है ना। तो ये रिज़्क में शामिल है। आपकी बीवी अगर आपकी बात सुन लेती है जो कि आजकल तो नहीं सुनती हैं बीवियाँ, लेकिन अगर आपकी बात सुन लेती है तो ये अल्लाह का रिज़्क है ना। तो फिर अच्छे पड़ोसी, ये रिज़्क में शामिल है। तो अच्छे पड़ोसी आप पैसे से ख़रीद नहीं सकते, ये तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें लेकिन आपने राइट और लेफ्ट वाले पड़ोसी को तो चलो चेक कर लिया कि यार मुलाकात कर ली तो, लेकिन गली में कोई दूसरा बंदा ऐसा होता है ना जो सबकी कसर अकेला ही पूरा कर देता है। तो अच्छे पड़ोसी जो है ना वो आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते यार, ये वो अल्लाह देगा तो ही मिलेगा। तो ये जो वसत वाला रिज़्क है ना, ये इसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं। आप अगर जिस इलाके में रहते हैं वो पुरअमन इलाका है, अगर आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे खाने पीने के अच्छे फल सब्जियाँ अवेलेबल हैं, है ना, तो ये तो यार ये इंसान के हाथ में है ही नहीं। तो और अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैं अगर मैं टीचर के सेंस में ना, अच्छा स्टूडेंट अगर मुझे मिल जाए जो मैं बात बताऊँ फ़ौरन पिक करे और ऊपर निकल जाए, तो ये एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा टीचर ना ये नसीब से मिलता है। तो ये सारा रिज़्क में शामिल है। आ जाए आगे। तो ये भाई बहन, ये पड़ोसी, आप जिस गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं वो अगर अच्छी गाड़ी आपको अवेलेबल है ना, अच्छे रोड अवेलेबल हैं, आप के अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे भाई बहन, ये सारा ये रिज़्क है। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, जो खा रहे हैं, जो जेब में नोट पड़े हैं, ये सारा रिज़्क में शामिल है। तो अल्लाह ताला से आपने इस रिज़्क के अंदर वो सब तलब की कि जी मेरे इस रिज़्क को बढ़ा दें, है ना, वसी कर दें। तो और नंबर थ्री पे अल्लाह ताला से आपने मांगा है इसमें कि तमाम बीमारियों से शिफा, शिफा मिन कुल्ली दा, तमाम बीमारियों से शिफा। अब आप सोचें ना, ये तीन जो अगर ये बात कबूल हो जाए तो ये तीन चीज़ों के अंदर ना दुनिया की ज़रूरियात की तकरीबन 90% चीज़ें तो इसके अंदर ही पोशीदा हैं। बंदे के पास इल्म हो नफ़े वाला, जिससे वो चौड़ा होकर बैठा हो लोग उसके पास आए कि जी हज़रत साहब कुछ करें हमारे लिए ना, या प्रोफेसर साहब या इंजीनियर साहब, जो भी डॉक्टर साहब, जो भी साहब इस वक्त हैं, है ना, जो भी जो नहीं मेडिकल डॉक्टर जो है इस वक्त, मेडिकल साइंस का जो इल्म है वो एक ज़रूरत का इल्म है। अगर किसी बंदे को कोई ऐसी बीमारी है जो किसी खास डॉक्टर के पास ही इलाज है उसका, तो वो तो भाई उसके कुछ भी करेगा, वो तो बोलेगा कि, और पैसे वाला होगा तो वो फिर उससे जितने पैसे हो सकेंगे वो देगा। अगर कोई सर्जन है, वो ब्रेन का सर्जन है, आपको पता है यार ये ब्रेन की सर्जरी वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो बस ये तो फिर अल्टीमेट पावर है ना ये, तो नफ़े वाला इल्म जो है वो कोई कम चीज़ नहीं है, ये अल्टीमेट पावर है। तो आपके पास नफ़े वाला इल्म हो, रिज़्क में आपके वसत हो, यानी एक तो पैसे की बात नहीं, और भी चीज़ें हैं कि भाई आपके घर में अच्छे लोग मौजूद हैं, दोस्त यार सारे अच्छे हैं, जो आप गाड़ी में अच्छी गाड़ी में आप घूम रहे हैं, है ना, तो ये वसत हो। और तीसरा, कोई बीमारी आपको ना हो। ये दोनों चीज़ें होने के बाद भी अगर कोई बीमारी है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कोई बीमारी भी नहीं आप। तो ये तीन अगर आप चीज़ें अल्लाह से आपने मांगी ना और अल्लाह ने ये कबूल कर लिया, तो आपके दुनियावी जो ज़रूरियात है ना उसकी 90% चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, इस दुआ के अंदर आ गई। तो आपने ये दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, है ना। और जब आपको अल्लाह ताला इल्म देगा तो आपने फिर मगरूर भी नहीं होना, क्योंकि जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है, तो आपने फिर हमेशा झुक के रहना है। ऐसा ना हो कि, क्योंकि इल्म का जो गरूर है वो हर चीज़ से ज़्यादा, वो पैसे के घमंड से ज़्यादा होता है,
क्योंकि पैसे वाले बंदे को तो पता है कि पैसा कोई शायद छीन भी सकता है मेरे से, या कोई गवर्नमेंट जब्त कर ले पैसा फिर, है ना। लेकिन और अगर खूबसूरती का भी बड़ा गुरूर होता है, लेकिन खूबसूरत बंदे को भी पता होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि मैंने एक दिन बूढ़े हो जाना है ना, और खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो उसको भी ऊपर से तो वो जो भी बोले, लेकिन अंदर से उसको पता होता है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्ती तौर पर ये है चीज़। लेकिन जो इल्म होता है उसका तो ये सीन है कि उससे आपको कोई छीन नहीं सकता, इल्म आपसे कोई छीन के कैसे लेके जाएगा, है ना। और जितना आप लोगों को सिखाएंगे तो वो बढ़ता है भी, और इल्म कम तो नहीं होता। और वो ऐसा भी नहीं है कि कोई आप मतलब अभी है तो 5 साल बाद आप शायद भूल जाएं, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। वो आपके पास होता है, तो इल्म का जो गरूर होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है इन सारी चीज़ों के। तो उससे भी आपने जो है ना महफूज रखना है अपने आप को, आपने ज़रा झुका के रखना है। फल वाला दरख्त जो होता है वो फल के वजन की वजह से वो झुका हुआ होता है, तो आपने भी झुके रहना है। अच्छा, तो यार ये तो मैंने छोटी रूल रेगुलेशन की थोड़ी बातें बता दी, थोड़ी सी आपको मैंने जो है ना नसीहत कर दी एक दो। तो अब ज़रा सा ना एक दो लोगों को हेलो हाय आपसे हो जाए। ये तो मैंने आपको कंफर्टेबल किया है अभी अपने से, अब आप ज़रा बताएं कि आप कैसे लोग बैठे हैं। सबसे पहले सर ये ब्लैक शर्ट में जो बैठे हैं आप ज़रा बताएं अपने बारे में, जोर से बोलना पड़ेगा कि सब मेरा जगह। नाम काशिफ कंवर है और मैं गोवा रोड से ताल्लुक रखता हूँ और मैं बी एस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यूटी पिशावर से, और मेरा कर 5th सेमेस्टर है वहाँ पर। अच्छा, चलिए गुड, बैठ जाए यार। 5th सेमेस्टर है इनका और बीएस कंप्यूटर साइंस ये कर रहे हैं, तो मतलब कंप्यूटर का बैकग्राउंड है इनका। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका कंप्यूटर का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत जानते हैं? अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर को बिल्कुल भी नहीं जानते, किसी और शोबे से ताल्लुक है, मेडिकल साइंस से या लॉ वगैरह किसी और आर्ट से ताल्लुक है? तो अच्छा, हमारे पास हैं कोई 15-20 के करीब लोग ये भी हैं, ठीक है। तो 80-20 का शायद रेशो है हमारे पास। अच्छा, इस बात को मैं क्लियर करता चलूँ कि जी हम इस कोर्स को ना फ्रॉम स्क्रैच लेके चलेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो वो क्या कहते हैं वो बोर नहीं होगा, सही है ना। ऐसा होगा कि हम उसको पीछे छोड़ के आगे चले जाएँ, ये हम तमाम लोगों को एक पेज पे लेकर चलेंगे। अच्छा, जिनका बैकग्राउंड है उनका काम ये होगा कि जो वीक बंदा है उसको वो अपने साथ खींच के ऊपर लाए, है ना। क्योंकि हमारे पास इतने सारे लोग अगर बैकग्राउंड वाले हैं जिनको कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत पता है, अच्छा वो भी पता लग जाएगा कि कितना पता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर ना पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ यार, ये पढ़ा नहीं रहा सही आजकल। ये ना बोलते तो हैं कि जी हमने ने ये कर दिया हमने वो कर दिया, और लेकिन आप जब अंदर देखो ना तो हर साल 25-25 हज़ार ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कहीं जॉब मार्केट में नज़र नहीं आता। वो अल्टीमेटली बेचारे ग्रेजुएट करके ना कोई ठेला लगा रहा है, तो कोई वो अब्बा की शॉप में बेचारा मजबूरन सेल्समैन ही कर रहा है ना। कोई जिसके तो चलो अब्बा का कारोबार है वो तो फिर भी ठीक रह जाता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं होता वो फिर फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पे मजदूरी करने में मजबूर होता है। तो ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी ना ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो अब आपको तो चलो आपका कसूर नहीं है, क्योंकि जितना आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिया कि जी ये इतना होता है यहीं तक कंप्यूटर साइंस, तो आपको तो वही पता है, आपको थोड़ी पता आगे क्या है। लेकिन होपफुली आप कुछ लोगों को आप में से ये रियलाइज़ होगा कि नहीं जी, जो हमें बताया गया था ना उससे आगे भी बहुत कुछ आ चुका है अभी इस वक्त ना मार्केट में। तो अच्छा जी, और कोई ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे सर आप जी, तीसरी टॉपिक। मेरा नाम मुस्तफ़ा जमाल है और मैं बी एस की प्रोफेशनल्स कर रहा हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी विद्यूटर के मैंने HTML CSS JavaScript और TypeScript में 2 महीने काम किया। अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखा है HTML CSS JavaScript? ये खुद यूट्यूब से कोर्स। अच्छा, सेल्फ लर्निंग की है, खुद से यूट्यूब से सीखा है, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। बैठे बैठे सर आप ज़रा बताएं अपने बारे में। मेरा नाम जीशान है और वहीं से मैंने जॉब भी करता हूँ, वर्डप्रेस पे काम किया है, इसके साथ मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह किए। अच्छा, अभी जो आप क्या जॉब कर रहे हैं? ये वर्डप्रेस पे काम। अच्छा, वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे हैं, गुड यार, ये तो ऑलरेडी एक डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑलरेडी हैं, बैठते हैं यार, बहुत सही, ज़बरदस्त। सर आप बताएं ज़रा। मेरा नाम अबू जर्राज़िक है और मैं नौशहरा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। सही, और जॉब भी कर रहे हैं कोई? नो सर, वैसे मैंने फ्री कोड कैम से HTML CSS
और अभी मैं टेलरेंसी से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, नहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से तो घर बैठ के होता है ना, तो जी वो तो वही करता है जो कोई जॉब कर रहा होता है या कुछ इस तरह की मसरूफियत। सर मैं बस सोलो लर्निंग पसंद करता हूं इसको। अच्छा, तो आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं अभी और कोई मसरूफियत नहीं आपकी फिलहाल? चलें थोड़ी आगे बैठ। अच्छा सर आप ज़रा बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है और मैं यहाँ पिशावर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं बी एस इंग्लिश की। बी एस इंग्लिश की है सर। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है। थैंक यू सर। और अभी कुछ जॉब वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कम्प्लीट हो गई और फारिग? अभी रिसेंटली कम्प्लीट। अभी अभी फ़ौरन कम्प्लीट हुई है, पढ़ाई अच्छी बात है। सर आप ज़रा बताएँ टोपी जो लगाया था। मेरा नाम हमाद रहमान है, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर से, अभी मेरा सेवन सेमेस्टर चल रहा है अच्छी बात है, गुड जबरदस्त। मतलब देखो सेल्फ लर्निंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि पढ़ना क्या है ये कौन बताएगा, ये तो पता ही नहीं लगता कि पढ़ाई करनी क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे तो पुरानी वीडियो भी आ रही होती है, नई वीडियो भी सारी मिक्स होती है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और कौन सी नई हो गई है ये तो नहीं पता लगता। अब भाई बड़ी बात है कि आपने ये नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर भी कर लिया खुद से ही और उसको आप सीख भी रहे हैं यूट्यूब से, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर आप ज़रा पर्पल शर्ट में। जी जी आप पीछे पर्पल जो शर्ट। आप इसके आगे जो आप खड़े हुए थे। सर मेरा नाम अजमेर है, बेसिकली मेरा ताल्लुक छतरा से और शहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बी एस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, सेमेस्टर के स्टूडेंट। कंप्यूटर साइंस और क्या करते हो? सिर्फ कंप्यूटर साइंस कर रहे हो और कुछ नहीं? सर मैंने एचटीएमएल और सीएसएस में बहुत काम किया है। अच्छा ज़बरदस्त, सही बैठ जाओ। सर आप पीछे जो ग्लासेस लगाए हुए आपने। जी जी पीछे वाले को भी थोड़ा पूछता है। मेरा नाम हसन है, मैं पिशावर से बिलोंग करता हूँ और मैंने ईएसआईटी के 2019 में और उसके बाद से फारिग में था और उनके साथ शॉपर भी होता था। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड दुनिया जान की चीज़ें यूट्यूब पे सर्च भी की है, सीखी भी है, जैसे कि एचटीएमएल सीएसएस वगैरह। पर यह था कि क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ भी 100% तक लर्न नहीं कर पाया और 20-30% लर्न कर दिया, नेक्स्ट स्टेप स्किप हो जाते हैं। सही, मिसाल के तौर पे आपने क्या क्या सीखा था, कुछ नाम बताएं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो एचटीएमएल और सीएसएस हो गया, उस पर हम बेसिक टेम्पलेट्स बनाते थे। फिर जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए थे फिर गेम डेवलपमेंट का शौक आ गया था, तो फिर अनरियल इंजन पे छोटी मोटी गेम्स बना ली, फिर उसको भी छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो आ जाती थी कि इससे कोई आगे स्कोप नहीं है या फलाना वगैरह, तो फिर इस तरह नई नई चीज़ों को स्किप करते फिर 3D मॉडलिंग पे आ गया और बेसिक ब्लेंडर से छोटा मोटा उसके मॉडल्स बना दिए। फिर आखिर में वैसे भी SMIT ज्वाइन किया और ये फोकस है कि इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट 100% लर्न करके इसको एज अ प्रोफेशन। गुड यार ज़बरदस्त, बैठ जा। दोस्त बता रहे हैं कि यार इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की हैं और आखिर तक नहीं ले जा सके, क्योंकि यार YouTube में ना एक ये मसला वैसे है जो इन्होंने बताई है ना बात, ये मसला उसमें है। वो चक्कर ये होता है कि अब किस YouTube में चक्कर ये होता है ना, व्यूज़ का भी चक्कर है। व्यूज़ का असल चक्कर है क्योंकि अगर किसी ने कोई अच्छी बात बता भी दी ना, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि वो ये काम व्यूज़ के लिए कर रहा है या वो एक्चुअल में सही बात बता रहा है, इसका कोई तरीका नहीं है। अच्छा फिर अगर उसके पढ़ाई भी चीज़ को किसी ने आके बोल दिया कि यार इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, तो वो भी आप कैसे पता लगाएंगे कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में उसकी बुराई कर रहा है बिला वजह। ठीक है फिर कोई तीसरी बात, कोई तीसरा बंदा आगे कर देता है तो ज़रा एक केओस बन जाता है ये व्यूज़ के चक्कर में ना, ज़रा केओस एक बन जाता है कि उनके तो पैसे बन जाते हैं लेकिन ज़रा अब आपके पास कोई बंदा नहीं होता जिससे आप वाकई में पूछ सकें या वाकई में आपको कोई कन्वेंस कर सके
कि जी नहीं वाकई ये तो सही कह रहा है कि जो इसमें कोई स्कोप नहीं है, या ये झूठ कह रहा है कि इसमें स्कोप है ये अपने व्यूज़ के लिए, तो ये बात बताने वाला आपको कोई बंदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास मैं मौजूद हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इससे मुतालिक अगर कोई भी आपको, आपका दोस्त या कोई भी यूट्यूब का की वीडियो आपको कहती है अगर, है ना, कि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, इसका तो कोई स्कोप नहीं है, तो फिर मैं आपको, मुझसे आप वो सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसने ऐसे ऐसे बोला है, ये एविडेंस दिया है कि ये इसका स्कोप नहीं है, तो मैं वो बताऊंगा कि उस एविडेंस की क्या हकीकत है, या आपको कुछ ऐसा प्रूफ दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप कन्वेंस हो जाएंगे, नहीं जी इसकी अभी मार्केट में वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी सर आप ज़रा बताएं अपने बारे में कुछ, ज़ोर से बोलें, पीछे तक आवाज़ जानी चाहिए। एफ एस सी किया हुआ आपने? अच्छा अभी आगे पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा अभी क्या मसरूफियात हैं पूरे दिन? इलेक्ट्रिशियन का आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा तो इलेक्ट्रिशियन का काम खुद कर रहे हैं या किसी जगह नौकरी? बैंक के साथ आप काम कर रहे हैं? भाई के साथ। अच्छा भाई का अपना काम है, आप उसके साथ कर रहे हैं? अच्छा अच्छा बड़ी अच्छी बात है यार, ज़बरदस्त। बैठ आप बताएं सर अपने बारे में। सर मेरा नाम हसीब अली है और मैं पेशावर दरजा कोर्स से बिलोंग करता हूँ और मैं अबसी यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस से भी जा रही हूँ। बीएस कंप्यूटर साइंस जा रही है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बैठ जाए। अच्छा तो हमने ये देखा कि यार हमारे पास ना ज़रा डाइवर्सिटी मौजूद है इस कोर्स के अंदर ना। हमारी क्या 10:30 की टाइमिंग है, 11 तक की है, 9 से 11 है ना? सही। असल में बाहर कल क्यों हुआ था, रश बहुत लग गया था, तो मैं 15 मिनट पहले ही आज कोशिश करूँगा कि मैं ख़त्म करूँ, ताकि ना वो आप इजीली निकल जाएं और फिर वो इजी आ जाए, वरना वो बाहर रश लग जाता है, ऐसे टकरा जाती है वापस, ठीक है ना। तो अच्छा तो अब हम ये करते हैं कि ये ग्रुप में बना देता हूँ और आप सब लोग ना एक एक करके आते जाएं और आके ना ये ज्वाइन कर लें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। ओके अच्छा देखो स्कैन कैसे करना है, क्यूआर कोड ना गौर से इधर देख लो। पहले तो आप जाओगे सेटिंग के अंदर ना, ये आपके सेटिंग का पेज आ गया व्हाट्सएप के अंदर ना। इस सेटिंग के पेज के अंदर ना आपका जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, इसके सामने ये चकोर सा एक डब्बा बना हुआ है, इस पर आप जब क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके सामने। ये आपका अपना क्यूआर कोड है ना, लेकिन आपने तो मेरा स्कैन करना है, तो स्कैन का यहाँ पे एक बटन आ रहा है, ये स्कैन का बटन आ गया। जब आप स्कैन का बटन खोलेंगे ना तो ऐसे एक कैमरा खुल जाएगा आपके पास, है ना। अच्छा ये कैमरा आपने खोल के वहाँ से आना है, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, उसको स्कैन करेंगे और आप वापस अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगे, है ना। इस तरह का कैमरा खुल जाएगा। आप सब लोगों ने ग्रुप ये ज्वाइन कर लिया है। इस ग्रुप में मैंने दो लिंक आपको भेज दिए हैं, एक तो linkedin.com का लिंक भेजा है, एक मैंने भेजा है github.com, एक दूसरी वेबसाइट। github.com पर भी आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब github.com भी बिल्कुल फेसबुक की तरह होता है, लेकिन ये एक ऐसा सोशल मीडिया है जो सिर्फ डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना कोड लिखते हैं तो इस पर शेयर करते हैं, ठीक है, तो इस पर भी आपने अकाउंट बनाना है। अब इसके अंदर क्या होता है वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि गिटहब में अंदर क्या होता है इसके ना, ठीक है। अभी जस्ट आपने इन दोनों के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। अच्छा एक दोस्त जिक्र कर रहे थे कि जी कोर्स आउटलाइन हम क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो बता दें। तो कोर्स आउटलाइन में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा फिर अगला सेक्शन, ताकि 15 मिनट पहले रिलीज करें तो अगला सेशन आसानी से आ जाए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे HTML, CSS और JavaScript, ये तीन बेसिक जो है ना इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा शुरू का तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीना हमारा इसमें लगेगा HTML, CSS को पढ़ने में। अच्छा फिर JavaScript को पढ़ने में तकरीबन हमारे 4 हफ्ते उसके अंदर लगेंगे ना, तो ये आपके कितने हो गए, 1.5 महीने और तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए ये। अच्छा तो 3 महीने में हमारा ये HTML, CSS और JavaScript, ये 3 महीने का ड्यूरेशन होगा इसका। हमारा टारगेट होगा ज़रा कम ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के क्लास की स्पीड क्या चल रही है। अच्छा उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वर, अपना सर्वर बनाना,
और उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना सीखेंगे हम. एक्सप्रेस करके एक फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस जेएस, उस पर ये सर्वर बनाएंगे और उसको गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे. गूगल क्लाउड पे या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे AWS है, उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं. ठीक है, किसी एक पे डिप्लॉय करेंगे जो मेजर प्लेटफॉर्म जो है. अच्छा, उसके बाद हम सीखेंगे डेटाबेस कनेक्ट करना, जिसमें हम MongoDB का डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, MongoDB भी करेंगे, एक छोटा सा और भी वेक्टर डेटाबेस होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे अगर मौका मिल गया तो. तो ये हो गया हमारा सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया और जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन. तो ये स्टैक यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब हम मूव करेंगे फ्रेमवर्क्स की तरफ. तो हम इसके अंदर जो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्ट, है ना. रिएक्ट है फ्रंट एंड बनाने का फ्रेमवर्क है, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. अच्छा, और वो डिस्कस करने के बाद हम एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे, सोशल मीडिया टाइप की जो एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक जैसी, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बनाकर इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे. अच्छा, ये कोर्स यहाँ तक जब हो जाएगा उसके बाद छोटे छोटे कुछ टूल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, जैसे कि PWA, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, यानी कि एक HTML, CSS और JavaScript को यूज़ करते हुए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो मोबाइल पे चले और उसको स्टोर पे पब्लिश भी किया जा सके. जो एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है या आईफोन का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर उसको पब्लिश किया जा सके. ठीक है, तो ऐसी ऐप बनाना भी हम सीखेंगे HTML, CSS और JavaScript और React को इस्तेमाल करते हुए. तो PWA हमने इसको देख लिया. अच्छा, तो इस तरह के छोटे छोटे से कुछ और भी टूल्स हैं जो लास्ट में हम सीख रहे होंगे. अच्छा, अगर हमें मौका मिल गया लास्ट में तो हम ज़रा सा ये OpenAI का एक प्लेटफॉर्म है वो भी डिस्कस करेंगे. वो भी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना. वैसे आपके कोर्स का पार्ट नहीं है वो, लेकिन अगर मौका मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे. वेक्टर डेटाबेस जैसा कि मैंने जिक्र किया, अगर मौका मिल गया तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे ना. तो आप जितनी जल्दी ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे ना, तो आखिर में हमें जो टाइम मिलेगा उसमें हम ये एक्स्ट्रा चीज़ें सारी कवर कर रहे होंगे. अच्छा, फिर कुछ नए छोटे मोटी नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. फिर हमारा जो मेन फोकस होगा थ्रू आउट द कोर्स, वो मेन फोकस ये होगा कि प्रैक्टिस हमारी हो अच्छे से और उस प्रैक्टिस की हम मार्केटिंग भी करें. तो हर एक दो क्लास के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा जो उसी चीज़ से मुतालिक होगा जो हमने क्लास में पढ़ाई की है, और वो आपने बना के लाना होगा. ठीक है, बना के आप अगली क्लास में मुझे चेक करवाएंगे. उसके लिए हम प्रॉपर तरीका है चेक करने का, वो इंशाल्लाह जब चेक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि वो कैसे चेक होता है यहाँ पे. तो असाइनमेंट आप चेक करवाएंगे और उस असाइनमेंट को जब आप चेक करवा देंगे, मैं कहूँगा ठीक है जी, ओके, ये सही बना है आपसे, तो आप उसको तमाम सोशल मीडिया के ऊपर हम पोस्ट कर देंगे. तो हमारा जो मेन फोकस होगा ना इस कोर्स के अंदर वो ये होगा कि कोर्स जैसे ही कंप्लीट होना तो फौरन आपकी जॉब लग जाए. तो पहले दिन से इसके लिए हम इकदाम करेंगे, पहले दिन से हम इकदाम करेंगे इसमें, ताकि 8 महीने के बाद जब आपका ये कोर्स ख़त्म हो तो ना सिर्फ आपके पास पोर्टफोलियो मौजूद हो, पोर्टफोलियो मतलब कोई ऐसी चीज़ दिखाने के लिए हो कि जी आपको ये काम आता है. तो ना सिर्फ आपके पास, 8 महीने में हम 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस कोशिश करेंगे हम बनाएं, 100 से ज़्यादा छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाएंगे. और आप सोचें ना, आपके पास 100 टास्क बने हुए हों लाइन से, और किसी की भी आप आगे करें कि ये देखो ये मैंने बनाया, चाहे लिंक्डइन के ज़रिए करें चाहे गिटहब के ज़रिए करें, है ना. तो 100 टास्क आपके सामने बने हुए ना, तो ये इसको कोई झुटला नहीं सकता. ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल होता है आपका. भाई मिसाल के तौर पे अगर जैसे ये फॉल सीलिंग बनी हुई है ना, पिछले दिनों घर पे मुझे फॉल सीलिंग बनवानी पड़ी, वैसे अच्छी बनी हुई है, मैंने अभी देखा ही ऊपर नज़र अभी गई है मेरी, अच्छी बनाई है. तो क्या कहते हैं, मैं उसके पास गया फॉल सीलिंग करने वाले बंदे के पास, मजदूर के पास. तो मैंने कहा, हाँ भाई क्या पैसे वैसे चल रहे हैं? उसने मुझे रेट वेट बताए. तो मैंने कहा, यार डिज़ाइन कुछ अगर है तो दिखाओ तुम्हारे पास. तो उसने कहा, डिज़ाइन नहीं, मैं अपना वर्क दिखाता हूँ आपको, अपना काम, मेरा हाथ का किया हुआ. तो वो उन्होंने कहा, व्हाट्सएप का नंबर आप दो मुझे. मैंने कहा, भाई लिख लो व्हाट्सएप. उसने मुझे जो है ना, मैं समझा कोई एक दो डिज़ाइन होगा, उसने मुझे 250-300 फोटो भेज दी. यूँ उसने फॉरवर्ड बनाया हुआ था पहले से ही, वो यूँ फॉरवर्ड का बटन दबा के ना उसने वो 250-300 फोटो मुझे भेज दी एक ही साथ. तो अब मैं वो देख रहा हूँ, मैंने कहा, यार ये क्या है? कह रहा है, ये सारा मैंने किया. और वो कर रहे हैं 4-5 साल से, अगर कोई काम कर रहा है तो हर 2-3 दिन तो लगते हैं एक कमरा करने में. तो अगर हर 2-3 दिन पे एक कमरा निपटा रहे हो तो 5 साल में तो हज़ारों कमरे किए होंगे उसने. वो तो फिर भी मुझे 250-300 उसने दिखाया. तो उसने कहा, ये सारे मैंने किए हैं, इसमें से आप देख लो जो भी आपको अच्छा लगता है आप बता दो, ये सारे मैं कर सकता हूँ. अब ये तो अल्टीमेट क्रेडेंशियल है ना. वरना तो मैं शक में रहता कि यार पता नहीं ऐसा काम ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो मैं बता रहा हूँ. अब उसने वो गोल चकोर आड़े टेढ़े ऊपर नीचे सब हर तरह का उसने उसमें काम जो है ना वो दिखाया हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था. तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है. इसी तरह मैं फिर गया पेंट वाले के पास जो कलर करता है.
तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ ज़रा। तो उसने भी ना मुझसे बगैर पहले पैसों वैसों की कोई भी बात किए बगैर उसने कहा यार आप अपना नंबर देना व्हाट्सएप का, मैं आपको अपना काम दिखाता हूँ। उसने अपना काम दिखाया कि जी वो दीवार पे उसने वो पूरे पर ना फूल बनाया हुआ था एक बड़ा सा इस तरह का, और वो जो 3D पेंट फर्श में आजकल वो करते हैं, तो उसने वो सारी फोटो मुझे भेज दी। उसने कहा ये सारे काम मेरे को आते हैं, ये सारे काम आते हैं और इनमें से जो भी आप बोलोगे मैं कर दूंगा। उसने कहा वॉल पे ना 3D पेंट करूंगा मैं, वो डब्बे डब्बे से उसने बनाया ना वॉल पे, तो ऐसा लग रहा था कि दीवार में एक खड्डा इतना बड़ा सा, इस तरह का उसने वो बना के ना सारा मुझे फोटो भेज दी। अब आप सोचें एक कलर करने वाले पेंटर को, क्योंकि है वो फ्रीलांसर, आप ये याद रखें वो कलर करने वाला फ्रीलांसर है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट आता है फ्रीलांस में, यही होता है ना फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आप जाके अपनी प्रोफाइल बना देते हैं। अब जिसको काम कराना होता है वो आता है आपसे काम करवाने के लिए, बताता है कि जी ये मेरा काम है, तो सामने से आपको क्या चाहिए कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाए ना कि यार ये मैं सारे काम कर लेता हूँ, जिसमें से जो भी बोलोगे मैं कर लूँगा। तो जब ये बात एक पेंटर को पता है ना तो ये बात हमें भी पता होनी चाहिए कि फ्रीलांस का काम इसी तरह होता है, पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। जो हेयर ड्रेसर होता है जो उसने अपने दुकान के बाहर वो लगाई होती है ना फोटो कि मैं इस तरह के बाल काट लेता हूँ, लेकिन हम कभी भी उसकी बातों में नहीं आते, हम कभी भी उसकी बातों में नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें पता है ये जो पोस्टर है ना इसने ये बाजार से खरीद के लगाया हुआ है, ये अपनी इसकी हाथ की कटिंग नहीं है, देख के पता लग जाता है, इतने समझदार तो हम हैं सारे। अच्छा लेकिन कुछ एक दो मैंने देखे हैं ऐसे जिन्होंने अपने हाथ की भी लगाई हुई है फोटो, अपने हाथ की कटिंग करके ना फोटो खींच के लगाई हुई है। अब ये सारे समझदार हो गए हेयर ड्रेसर भी, अब ये सारे टिकटॉक बनाते हैं है ना, और जब बाल काटते हैं वो जो एक फायर वाला पता नहीं बाल काट रहे हैं आग लगा के सर में, पता नहीं उल्टे सीधे सारे, तो ये अब सारे टिकटॉक बनाते हैं कि जी हम ये बाल खुद हाथ से कट रहा है और टिकटॉक में दिख रहा है। तो भाई अब ये तो प्रूफ हो गया ना कि अच्छा जी इसने काटते हुए दिखा दिया वीडियो में तो ये काट सकता है बाल। तो आप अगर क्रेडेंशियल आप दिखाएंगे ना किसी और के हाथ का किया हुआ पेंट दिखाएंगे कलर, या किसी और का इंटरनेट से उठा के कोई चीज़ आपने चिपका दी कि जी ये मैं कर लेता हूँ, तो वो पता लग जाता है। वो जैसे आप हेयर ड्रेसर की दुकान में पोस्टर देख के समझ जाते हैं ना कि ये बाजार से उठा के इसमें चिपकाया हुआ है, तो इसी तरह उसको भी समझ आ जाएगा। तो ये चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ का काम आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास 100 से ज़्यादा टास्क इंशाल्लाह होंगे, वो आप दिखा रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को, वो आप दिखा रहे होंगे जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वो अपने साथ लेके जाएंगे आप कि जी ये मैंने किया हुआ है। और इसी तरह आप आगे भी जब आप जॉब करेंगे तो वहाँ पर जो जो चीज़ें आप बनाएंगे उसको भी आप बतौर वीडियो या बतौर पोस्ट आप अपने पास महफूज करेंगे। जाहिर है वो शेयर तो नहीं कर सकते आप क्योंकि वो क्लाइंट का प्राइवेट काम होता है, लेकिन उसको आप महफूज करेंगे बतौर पोर्टफोलियो कि कल को आप दिखा सकेंगे अच्छा जी मैं 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो मैंने किया है क्या है, मैंने बनाया क्या है ना, तो वो अभी आप महफूज करेंगे सारा। तो ये हमने देखा कि हमने क्या करना है इस कोर्स के अंदर, जो मेन फोकस हमारा होगा वो मैंने क्या बता दिया आपको कि जॉब पकड़ना, कि जॉब पकड़ में आ जाए किसी तरह, ये 8 महीने यहाँ पे काम जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसके बाद जॉब पकड़ में आ जाए, चाहे वो जैसी भी जॉब हो, जूनियर डेवलपर की हो, सीनियर डेवलपर की हो, इंटर्नशिप हो, किसी भी किस्म की जॉब हो ना वो हमें पकड़ में आ जाए, चाहे वो फ्री लांसिंग हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बन रहा हो उसके साथ आपको लगा ले वो अपने साथ है ना, या कहीं पे कोई चलता हुआ सॉफ्टवेयर हो वहाँ पे आप सपोर्ट में लग जाएं, किसी ना किसी जगह आपकी जॉब लग जाए। अगर आप में से 50% लोगों की जॉब लग जाती है ये कोर्स ख़त्म होते ही या उससे पहले, तो मैं समझूंगा कि इस क्लास का जो मकसद था वो पूरा हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर अभी तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने जैसे अभी मैं कराची से फ्लाई करके इधर आता हूँ पढ़ाने, तो अल्टीमेटली आपने ये कुर्सी संभालनी है और आपने यहाँ पे जो है ना मज़ीद, क्योंकि 3-4 टीचर ही हैं जो वो आ रहे हैं, अब ये कैंपस सुबह से शाम तक अवेलेबल है ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों में से फिर टीचर भी प्रोड्यूस होंगे जो आगे यहाँ पे पढ़ा भी रहे होंगे इसको। तो ये हमारा जो है ना टारगेट जो था, मेन टारगेट मेन फोकस जो था बाई द एंड ऑफ दिस कोर्स, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है। और कोर्स आउटलाइन भी मैंने आपको बता दी, अब किसी और का कोई सवाल अगर है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम ख़त्म करते हैं इस क्लास को यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा मैं, हाँ मेरा इंट्रो नहीं हुआ ना, मेरा इंट्रो मैं भूल जाता हूँ तो असल में इतनी सारी और बातें ना करने के लिए कि इंट्रो का मौका ही नहीं मिलता। यार मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, 2-4 बातें। मैं पेशे के एतबार से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं फ्री लांसिंग करता हूँ, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर की कोई जॉब नहीं की कभी, फ्री लांसिंग ही शुरू से करता आया हूँ। हाँ इंटर्नशिप वगैरह की थी शुरू में 1-2 जगह, फिर उसके बाद फ्री लांसिंग पर मूव हो गया था टोटली। अच्छा मैं मेनली जो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है ना वो AI चैट बॉट है, वॉइस एप्लीकेशन,
ऐसे कंप्यूटर जो बोल के बात करते हैं वो मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। हाँ, लेकिन शुरू मैंने अपना जो करियर किया था वो वेब डेवलपमेंट से किया था, जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो वेब डेवलपमेंट का ही है, ठीक है। अच्छा, अभी भी थोड़ा थोड़ा वो चल भी रहा है साथ साथ, है ना, क्योंकि जाहिर है जो जो चैट बॉट है या जो जो वॉइस एप्लीकेशन है वो होती तो बाई द एंड ऑफ द डे एक वेबसाइट के ऊपर ही होता है ना, एक वेबसाइट खुलेगी उसी पर जो वो चैट हो रही होगी, उसी पर बात हो रही होगी या उसी से आप बात कर रहे होंगे, तो वेबसाइट बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो साथ साथ चल रही है। अच्छा, मैं ने अपना करियर शुरू किया था 2012-13 में, तो 10 साल हो गए आज, 10 साल से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ।